भारी बारिश के बीच तोड़क कार्रवाई के खिलाफ सदन में उठा मामला, मलाड मालवनी का है मामला। पिछले दिनों भारी बरसात के बीच मलाड मालवनी के अंबोजवाड़ी में मनपा ने जमकर तोड़क कार्रवाई की, जिससे करीबन 200 के ऊपर लोग बेघर हो गए। इस मुद्दे को पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक असलम शेख ने सदन में उठाया है। यह तोड़क कार्रवाई हुई है, असलम शेख ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा बरसात के मौसम में होना तो नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेवन एक्सटल, मुंबई। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी मुख्यमंत्री साहब ने पूरा डिटेल्स आपके सामने रखा, मैं मुख्यमंत्री साहब से बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर और मुंबई के साथ और 7 जिलों में अलर्ट जो है हवामान खाते ने दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। सारे डिपार्टमेंट, डिजास्टर डिपार्टमेंट के सारे डिपार्टमेंट इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को घरों में पानी नहीं जाए, लोगों की जान बचाई जाए। और इतनी बड़ी घटना इस महाराष्ट्र में हुई और उसी दिन मुंबई शहर में इस अंबोजवाड़ी के अंदर 250 घर जो लोगों के घर थे उनको तोड़ने का काम शुरू। कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे महानगर पालिका का डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, अगर हाईकोर्ट का आदेश है कि बरसात के अंदर किसी के घर नहीं तोड़े जाएंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना खुद का जीआर है कि बरसात के अंदर किसी के घर नहीं तोड़े जाएंगे, ऐसी परिस्थिति के अंदर पूरी बारिश के अंदर 250 लोगों के घर का सामान के सहित उद्ध्वस्त किया गया और उस बारिश की वजह से 2 बच्चे आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट। तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि ऐसी परिस्थिति होते हुए ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उनको ये झोपड़े तोड़ने का काम करना पड़ा और उनकी वजह से इतने लोगों को बेघर करने का काम पड़ा। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वो ताबड़तोड़, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे बीएमसी का हो, अगर जीआर सरकार का है ये तीनों पे लागू होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो तीनों पे लागू होता है, ये पूरी की पूरी इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और वो जो भी अधिकारी हो उस पर बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूंगा सरकार इसके ऊपर कुछ बोले। ठीक है ना, अभी देखिए, हे बगा, नहीं नहीं, एक मिनट, अपवाद म्हणून विषय मान्य सदस्यांनी मांडलाय, नक्की त्याची माहिती घेतली जाईल। पावसाळ्यात आपण कधीच तोडफोड करत नाही, त्याच्यामुळे अशा प्रकारे जर काही तोडफोड झाली असेल तर ती का झाली याची माहिती घेतली जाईल आणि तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या जातील। महेश बाल्ली, आताच मुख्यमंत्री महोदयांनी कालच्या या इरसाल